Akola, one of the 48 parliamentary constituencies in Maharashtra, will go to polls in the second phase of polling on April 26. The seat is facing an intense triangular contest between the ruling Mahayuti coalition, the opposition Mahavikas Agadi, and Prakash Ambedkar of the Vanchit Bahujan Agadi. The BJP has fielded Anoop Dhotre, son of sitting four-time MP Sanjay Dhotre, while Dr. Abhay Patil is contesting on a Congress ticket from here. Anoop Dhotre's candidature was not without controversy, with local BJP leader Narayan Gohankar rebelling and filing his nomination as an independent candidate. Gohankar later withdrew his nomination at the behest of senior state leadership of the party. Anoop Dhotre is going to the electorate with the promise of continuing the development work already underway in Akola. Vikas ye continuous process hai. Koi roads ka hum example le to wo road zarur maintenance ko aate hai. पर विकास की जो गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है. आप कोई भी इसमें कंसीडर करें, जैसे अब उज्ज्वला गैस योजना है तो 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस लोगों ने लिए हैं और उसका पर्यावरण पे अब बहुत अच्छा परिणाम हो रहा है. ऐसे कई एग्जांपल्स है रोड्स के, नेशनल हाईवेज के है, जो इंटरनल रोड्स है उसकी डेवलपमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हो, महाराष्ट्र और अकोला लोकसभा में बहुत अच्छा विकास हुआ है. Congress candidate Abhay Patil is banking on anti-incumbency to secure his win. He says the people of Akola have decided to vote for change this time. लोगों की यहाँ पर इच्छा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं. 10 साल की जो कुछ लोगों के ऊपर महंगाई की मार हुई है, बेरोजगारी की मार हुई है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है अकोला में, बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं है. तो ये सब चीजें देखकर डेफिनेटली लोग आज यहाँ पर काफी नए कैंडिडेट के लिए, नए चेहरे के लिए और एक पढ़े लिखे चेहरे के लिए उत्सुक है. टू-टाइम एमपी फ्रॉम अकोला प्रकाश अंबेडकर, ग्रैंडसन ऑफ बीआर अंबेडकर, इज द वंचित बहुजन अगाड़ी कैंडिडेट फ्रॉम हियर. ही सेज इफ इलेक्टेड ही विल फोकस ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज. एग्रो इंडस्ट्री पे हम लोग का फोकस होगा, लेकिन एग्रो इंडस्ट्री का फोकस रहते हुए ये मास एम्प्लॉयमेंट किस ढंग से जनरेट करेगा उसका होगा. और दूसरी बात, जो लोकल एंटरप्रेन्योर जो है उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा, इस ढंग से हम लोग की इंडस्ट्रियल एग्रो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी. फॉर द लोकल इलेक्टोरेट, वाटर स्कैसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ अकोला एज अ मेडिकल एंड कल्चरल हब आर द टॉप इश्यूज इन दिस इलेक्शन. महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए पीने के पानी की समस्या तथा बाकी जो पर्यावरण के बारे में भी हमारा काफी ज्यादा उसके बारे में नाराजी रही, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर करके काउंट किया गया है. साथ में जो सबसे हमारी मूलभूत जो गरज है या मूलभूत हमारी जो आवश्यकता है वो पीने के पानी की समस्या अभी तक यहाँ पर दूर नहीं हुई. साथ में आसपास के जो ग्रामीण विभाग है, ग्रामीण विभाग में तो इससे भी बदतर हालत हुई है. अकोला ये एक मेडिकल हब है, ये एजुकेशन हब है, तो ये हब को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करने वाला ही यहाँ से हमने लोकसभा में खासदार चुन के देना चाहिए. जहाँ की यहाँ अस्पताल बने हैं लेकिन वो कार्यान्वित होना चाहिए, कार्यान्वित हुए तो वहाँ पर लोगों की भर्ती करना चाहिए. यहाँ पर इंटरनेशनल नेशनल लेवल का पिकी हुई है तो उससे कुछ चीजें लेके हमने इस शहर को सही में हरा भरा बनाना चाहिए. वो सांस्कृतिक भवन है लेकिन कार्यान्वित नहीं, लोगों के इस्तेमाल में वो आ नहीं रहा है. तो ऐसी छोटी छोटी लेकिन ताकतवर चीजें, रोड रस्ते केवल बनाना ही विकास नहीं होता है. The question this time is whether the voters of Akola will re-elect a BJP candidate for the fifth time in a row, or will they send someone from a different party to the Lok Sabha in 2024? Results of the Lok Sabha polls will be announced on June 4th.